करो, आईएएस कॉन्फ़िग करो। हाँ ये अभी स्टार्ट हो रही है सर। कोई नहीं, इसका आईएएस कॉन्फ़िग तो करो। हाँ (192.168.0.188.108) अच्छा ओके, ब्रिज पे चला रहे हो इसको? और जी सर, विंडोज़ को दिखाओ विंडोज़ को भी सर सेम। मेरे को एक बार, दोनों के नेटवर्क अडेप्टर दिखा दो सेटिंग्स में जाकर। ओके इसको भी नेट पे डाल दो, काली को भी नेट पे डाल दो, दोनों मशीन को रिस्टार्ट कर दो। दोनों को नेट पे सर। एक मिनट, ये पावर ऑफ कर रखिए विंडोज़। चालू है सर, चालू है, अभी कोई चालू बात ही नहीं, है। अभी करेंगे बंद इसको, करेंगे ठीक है। अभी एक बार जाओ जरा, चलो इसको बंद कर दो। हाँ इसको भी बंद कर दो। ये वर्चुअल बॉक्स यूज़ कर रहे हो ना, जी सर, तो खोलो वर्चुअल बॉक्स खोलो। इसमें जरा ऊपर टूल्स में जाना, एक बारी टूल्स पर क्लिक करो, इसमें प्रेफरेंस पे प्रेफरेंसेस में जाओ। हाँ इसमें नेटवर्क में जाओ, यहाँ पे ग्रीन कलर का आइकन आ रहा है ना राइट साइड में, उस पर क्लिक करो। नेट नेटवर्क ठीक है, ओके कर दो। अब विंडोज़ में जाओ, सेटिंग्स में, विंडोज सेटिंग्स, नेटवर्क अडैप्टर, नैट नेटवर्क सेलेक्ट करो यहाँ पे, नैट नेटवर्क ठीक है, ओके कर दो। काली के साथ भी सेम चीज़ करो, दोनों मशीन्स को रिस्टार्ट कर दो।
खोलो टर्मिनल खोलो। करवाइए कॉन्फ़िग। टेन जीरो टू फोर विंडोज में जाके जरा करो आईपी कॉन्फ़िग। IP config टेन जीरो टू फिफ्टीन यहाँ पे करो पिंग 10.024 इसको कॉपी करना है सर नहीं नहीं पिंग करो पिंग पिंग कमांड टाइप करो 10.024 यही सर। एंटर कर दो। ठीक है और अब काली में जाओ एक बारी काली मशीन पे यहाँ करो पिंग हाइफन सी स्पेस फोर फोर स्पेस 10.02.15 एंटर। दोबारा करो nmap कर दो एंटर। दोबारा से सेम कमांड करो बस हाइफन कैपिटल पी स्मॉल एन के साथ वी प्रेस करना वी 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 तीन बार प्रेस कर दो चलो विंडोज में जाओ वापस इसका डिफेंडर ऑफ करो डिफेंडर और फायरवॉल जो भी ऑन है पिंग ही नहीं करने दे रहा है मशीन्स को बाहर से
अब एक बार आके पिंग करना। हाँ काली में ना सर, काली में जाके इसको पिंग करो। चलो बढ़िया हो गया। अब हो जाएगा अब सर? खोलो करो। भाई वैसे नहीं पता नहीं यार, देखो हो तो पहले भी जाना चाहिए था। ये बेसिक ट्रबल शूट किया मैंने कि भाई अब तुम कह रहे हो नहीं हो रहा है, क्या पता ऐसी कोई दिक्कत हो। करो MSFDB स्टार्ट, MSF कॉन्सोल, रन एस रूट, सूडो SU, MSFDB स्टार्ट, MSF कॉन्सोल, पहले तुमने एक बार पिंग करने की कोशिश करी थी, पोर्ट स्कैन करने की कोशिश करी थी, स्कैन तो किया था सर स्कैन हो गया था। जी सर, हो ही नहीं सकता स्कैन, कैसे हो गया था स्कैन जब वो पिंग ये प्रो सर भी दो ब्लॉक कर चीजें आ देते। गई थी, ये तीन चार पोर्ट आ गए थे सर बस तीन चार पोर्ट आ रहे थे एंड जी। मैप दूसरी कमांड के साथ रन कर रहे थे, तुम स्पेसिफिक ये पोर्ट ही स्कैन कर रहे होंगे ना, फिर तभी आ रहे थे। जी जी ये सर यही थे सर तीन पोर्ट हाँ उसमें स्कैन। वीडियो में ये दिखाया होगा ना -P 135 139445। चलो कोई नहीं इसको छोड़ो, यहाँ पे करो सर्च MS17010, सर्च स्पेस MS17-010 एंटर। डबल पल्सर तुम चला के देखे थे, डबल पल्सर नहीं चल रहा। नहीं सर, चलो सबसे पहले डबल पल्सर ट्राई करते हैं। यूज यूज यूजर नहीं, यूज स्पेस 5। हाँ 5 5 F5 नहीं 5। एंटर शो ऑप्शंस। सेट आर होस्ट 10.02.15 सेट एल होस्ट 10.02.4 एंटर रन। Disable the defrag mode option if you have authorized to show you want to press show options the target host set target भी करें सर। set target क्या कौन सा वेरिएबल है टारगेट, मेरे को तो कोई दिख नहीं ना वेरिएबल टारगेट। नहीं नहीं वो कोई वेरिएबल नहीं है यार, नहीं यार आ जाता है इसमें, कोई बात नहीं दूसरा एक्सप्लॉइट यूज करेंगे। यूज एक बार ऊपर जाना जहाँ पे सर्च किया था हमने MS17010। इसमें सेलेक्ट करो तुम सेकेंड वाला यूज करो।
शो ऑप्शंस। इसमें करो सेट जी, सेट जी विदाउट स्पेस। बस सर। नहीं, विदाउट विदाउट स्पेस सेट जी, सेट जी स्पेस आर होस्ट। Ten 0 to 15 एंटर। सेट जी एल होस्ट। एक बार ऊपर करके दिखाना जरा शो ऑप्शंस में। इसमें क्या क्या मांग रहा था, आर होस्ट, आर पोर्ट, बस और कुछ नहीं मांग रहा ये। रन कर दो, नहीं इसकी जरूरत नहीं है। आर होस्ट की वैल्यू सही नहीं है तुम्हारी, देखो स्पेलिंग ठीक नहीं है, दोबारा से लिखो। सेट जी स्पेस आर होस्ट 10 0 to 15 रन करो। हो गया, आ गया शेल। जी आ गया सर। वो है माय एंटी अथॉरिटी सिस्टम, सिस्टम इन्फो, लॉग ऑन फेयर, अननोन यूजर नेम और बैड पासवर्ड, सिस्टम इन्फो, सिस इन्फो करना, सिस इन्फो। सिस्टम इन्फो दोबारा से करो, सिस्टम इन्फो। होस्ट नेम तो बंद कर दे भाई, अपना माइक बंद कर दे, अपना माइक बंद कर दे, चल लग रहा मेरे को बंद कर दे, कब ना बंद कर दे भाई, चल लग गया मैंने पीसी। ठीक है भाई, आ गया रिमोट सेल, आ गया जी सर। अब जो चाहे कर सकते हो इस पर रिमोटली। जी हो जाएगा सर। अब वीडियो में ये एक्सप्लॉइट नहीं दिखा रखा था क्या? ये वाला नहीं था सर। तो यार ऐसे ही होता है, ठीक है ना। एक तो ये था सर, वो हाँ। ये भी बोला था सर पेलोड सेट करने के लिए, वो उसकी कोई जरूरत नहीं होती, वो अननेसेसरी का, ठीक है। वो ऑटोमेटिक, अगर तुम पेलोड नहीं सेट करोगे ना इस केस में, वो ऑटोमेटिकली पेलोड सेट कर देता है। अब जैसे तुमने एक्सप्लॉइट कर दिया इसको, ठीक है, अभी जब हमने शो ऑप्शंस किया था तो वहाँ पे कोई पेलोड नहीं दिखा रहा था। अब अगर मैं शेल को क्लोज कर देता हूँ कंट्रोल सी का, तो शेल को क्लोज कर दे उसको, कंट्रोल सी करो, यस अबॉर्ट सेशन। अब अगर तुम शो ऑप्शंस करोगे तो वो ऑटोमेटिकली उसने पेलोड सेट कर दिया होगा। ऑप्शन देखो, पेलोड आ गया यहाँ पर, पेलोड ऑप्शन आ गए, एल होस्ट एल पोर्ट अपने आप सेट हो गया, पेलोड भी सेट हो गया, देख रहे हो जी। पेलोड कहाँ पे सर? अच्छा ये आ गया ना, पहले नहीं आ रहा था ये। जी, ये तुमने सेट भी नहीं किया, ये ऑटोमेटिकली सेट हुआ, ठीक है ना। ओके सर। और अगर तुम पेलोड भी दूसरे टाइप का सेट कर रहे थे, देखो मैंने तुम्हारे टेक्स्ट पैड में देखा, मेटोप्रेटर बेस्ड तुम पेलोड सेट कर रहे थे, तो उसके लिए तुम्हें मल्टी हैंडलर भी ऑन करना पड़ता है भाई, ऐसे नहीं हो जाता, ठीक है। खैर एनी वेज, सो हो गया एटर्न ब्लू फाइनली। जी चले आगे, कोई डाउट है, कुछ पूछना है? लेते हैं। नहीं सर, हो गया। ठीक। चलो जी, मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है? यस सर। ओके कूल। सो हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं स्निफिंग, ठीक है। और स्निफिंग की अगर मैं बात करूं तो स्निफिंग का मतलब क्या होता है?
स्टार्ट करते हैं मतलब के साथ। ये बताना चाहेगा मुझे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्निफिंग? कोई भी आइडिया, कुछ भी, एनीथिंग, बोलो बोलो। गलत ही तो होगा सारा, क्या होगा? क्या सर स्निफ? स्निफिंग तो जैसे दूसरों के जो ऑथराइज चीज है, ऑथराइज पासवर्ड वगैरह जो भी है वो अपने पास शो करना। दूसरों के जो ऑथराइज चीजें हैं वो अपने पास शो करना, चलो ठीक है। थोड़ा रिफाइन करेंगे इस डेफिनेशन को। ओके, तो स्निफिंग यार एसेंशियली मैं आपको बता देता हूँ, इट्स लाइक ईव्सड्रॉपिंग। ओके, और ट्रेडिशनली जो है स्निफिंग हमारा डिराइव हुआ है वायर टैपिंग वर्ड से, वायर टैपिंग से, ठीक है। तो अब वायर टैपिंग से मीनिंग डिराइव हुआ है तो वायर टैपिंग का भी तो मतलब पता होना चाहिए। सो वायर टैपिंग का मतलब क्या होता है भाई? जैसे पहले के टाइम की अगर मैं बात करूँ तो अगर कोई कोई डेटा आपको स्टील करना है या फिर आपको किसी की कन्वर्सेशन सुननी है तो आप क्या कर लेते थे? टैप्स आते थे, ठीक है। टैप्स हार्डवेयर डिवाइस होते थे, उसको आप किसी भी हार्डवेयर लाइन के बीच में प्लग कर दो, ठीक है। एंड टैप क्या करते थे? टैप छोड़ो, टैप वो फोन टैपिंग सुना होगा तुमने, पिक्चर विक्चर में तो देखा होगा, फोन टैप कर लेंगे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज वगैरह, एनफोर्समेंट एजेंसीज वगैरह फोन टैप करते हैं। तो उसमें एसेंशली क्या होता है कि दो बंदे कम्युनिकेट कर रहे हैं और जो भी एजेंसी वगैरह है वो फोन टैप करके बैठे हैं तो उनकी कन्वर्सेशन सुन रहे हैं, उनकी कम्युनिकेशन सुन रहे हैं, राइट? ऐसे ही होता था। तो सेम चीज़ है यहाँ पे भी, ठीक है। फोन टैपिंग से हम वायर टैपिंग पे आ गए, वायर टैपिंग से हम स्निफिंग पे आ गए। तो स्निफिंग का मतलब भी बहुत सिंपल है यार। स्निफिंग का मतलब होता है कि नेटवर्क के अंदर या दो डिवाइसेस के बीच में जो भी डेटा फ्लो हो रहा है, एट द एंड ऑफ द डे डेटा फ्लो होएगा पैकेट्स की फॉर्म में, ठीक है ना। जो भी डेटा फ्लो होएगा वो होएगा पैकेट्स की फॉर्म में, तो उन पैकेट्स को कैप्चर करना, ठीक है ना, उन पैकेट्स को कैप्चर करना और उन पैकेट्स को रीड करना, उसको हम बोलेंगे स्निफिंग, ठीक है ना। तो अगर दो लोगों के बीच में कोई डेटा ट्रांसफर हो रहा है, पैकेट्स ट्रांसफर हो रहे हैं और मैंने पैकेट्स कैप्चर कर लिए, पैकेट्स कैप्चर करने से होगा क्या? बेसिकली जो भी उनके बीच में कम्युनिकेशन हो रही होगी मुझे वो पता चल जाएगी कि क्या कम्युनिकेशन हो रही है, क्योंकि मेरे पास जो भी कम्युनिकेशन के पैकेट्स है वो तो आ ही गए हैं, सिंपल। ओके, ठीक है जी। तो अब बात कर लेते हैं कि स्निफिंग से हम क्या क्या चीज़ें पता लगा सकते हैं। तो सिंपल है भाई, स्निफिंग से जो है जो भी दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो रही होगी हम पता लगा लेंगे, नेटवर्क के अंदर जो भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है हम स्निफिंग से पता लगा सकते हैं। कोई अगर पासवर्ड्स वगैरह किसी ने किसी फील्ड में एंटर करें हैं, कहीं सबमिट करें, नेटवर्क के अंदर जाएंगे वो भी फ्लो हो रहे होंगे, उसको भी हम कैप्चर कर लेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें की चीज़ क्या आ जाती है? इसमें की चीज़ ये आ जाती है कि स्निफिंग आप जो है पेंट, चलो पेंट खोल लेते हैं अपना, ओपन पेंट। सर सिर्फ एक नेटवर्क में है ना, एक नेटवर्क में होने काम सिर्फ? या यस, इट्स अ नेटवर्क बेस्ड अटैक ओनली। ओके, नेटवर्क के बाहर कुछ नहीं हो पाएगा, सिर्फ एक नेटवर्क तक रिस्ट्रिक्टेड है सारी सारी चीजें जो भी हम बात करने जा रहे हैं आगे भी।
ओके सो हम बात कर रहे हैं आज स्निफिंग की। लेट्स टॉक अबाउट स्निफिंग। स्निफिंग की बात करने के लिए पहली बात तो ये आपका नेटवर्क बेस्ड रहता है, ठीक है। दूसरी बात अगर मैं बात करूँ इसके अंदर, तो इसके अंदर हम जो भी पैकेट्स फ्लो हो रहे हैं नेटवर्क में, ठीक है, अब वो नेटवर्क में हो रहे हो या फिर स्पेसिफिकली दो एंड पॉइंट्स के बीच में हो रहे हो, ठीक है, उन पैकेट्स को हम कैप्चर करने वाले हैं। उन पैकेट्स को कैप्चर करेंगे जब हम, तो उसको हम बोलेंगे स्निफिंग, ठीक है। इससे हम क्या क्या चीज़ें स्निफ कर सकते हैं, अगर दो लोगों के बीच में कोई चैट हो रही है नेटवर्क में, ठीक है, हम स्निफ कर सकते हैं। अगर कहीं कोई पासवर्ड्स सबमिट किए जा रहे हैं किसी वेब पेज पे, किसी सर्विस पे, हम स्निफ कर सकते हैं। और कोई भी मिसलेनियस कम्युनिकेशन या फिर कोई भी डेटा फ्लो, जो जो भी डेटा फ्लो होगा, किस जिस भी तरीके का डेटा फ्लो हो रहा है, सब चीजें इसके अंदर कवर हो जाती है, ठीक है जी। सर, दो एंड एंड पॉइंट पे स्काइप पे चैटिंग हो रही, वो भी हो जाएगा सर एक नेटवर्क में? ठीक हो जाएगा, ठीक है सर। है ना। अब इसमें जो की चीज है जो डिसाइड करती है कि हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, वो बता देता हूँ मैं। देखो, स्निफ तो कर लोगे पैकेट्स को, स्निफिंग तो किसी भी केस में हो जाएगी। मतलब बोले तो स्निफिंग है बेसिकली आपका जो पैकेट कैप्चर है, ओके। तो पैकेट कैप्चर तो आपका 100% हो जाएगा, ठीक है ना। बट द पॉइंट अराइज इज के उस पैकेट को कैप्चर करने के बाद उसका कोई मीनिंग भी तो ड्राइव करना है ना, वो मीनिंगफुल डेटा भी तो होना चाहिए, वरना उन पैकेट्स का करोगे क्या अगर आप उसका कोई मीनिंग ही नहीं ड्राइव कर पा रहे। तो मीनिंग कब ड्राइव होगा? मीनिंग केवल और केवल हमारी तभी मीनिंग हमारा तभी ड्राइव हो पाएगा जब कोई अन इनक्रिप्टेड प्रोटोकॉल यूज हो रही होगी, ठीक है ना, तभी मीनिंग ड्राइव करा जा सकता है। अगर ऑन दी अदर हैंड किसी तरीके की इनक्रिप्टेड प्रोटोकॉल यूज हो रही है, तो जो भी आपने पैकेट्स कैप्चर कर रहे हैं वो सब जिबरिश रहेंगे, ओके। आप उसका कोई मीनिंग नहीं ड्राइव कर सकते, आपके लिए वो यूजलेस होंगे, ठीक है जी। अब अगर मैंने ये बात कर दी है तो मेरे को बता देना चाहिए कि इनक्रिप्टेड और अनक्रिप्टेड प्रोटोकॉल के थोड़ा एक एग्जांपल दे दूं। जैसे HTTP हो गया, ये अनइनक्रिप्टेड है। HTTPS हो गया, ये इनक्रिप्टेड है, ठीक है। FTP हो गया, अनइनक्रिप्टेड प्रोटोकॉल है, ओके। लेट्स एक्सटेंड दिस थिंग। टेलनेट हो गया, अनइनक्रिप्टेड है। SSH हो गया, इनक्रिप्टेड है। FTP, SFTP, दैट इज इनक्रिप्टेड। तो छोटा सा एग्जांपल वाली बात थी कि भाई हम इसके अंदर जो है केवल और केवल जो अनइनक्रिप्टेड डेटा रहता है केवल उसी का ही मीनिंग डराइव आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर किसी ने पासवर्ड एंटर कर रहे हैं किसी HTTP बेस्ड वेबसाइट पे और हम नेटवर्क में स्निफिंग कर रहे हैं, तो हम उसके पासवर्ड कैप्चर कर लेंगे बहुत इजीली, ठीक है ना। हम प्लेन टेक्स्ट में उनको रीड कर पाएंगे कि हाँ किसी ने इस वेबसाइट पे आकर के ये पासवर्ड एंटर करा। ऑन दी अदर हैंड अगर HTTPS वेबसाइट थी वो, तो उस केस के अंदर अगर उसने पासवर्ड एंटर करें, आपके सामने से पासवर्ड निकल जाएंगे, बट यू वुड नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई कि अच्छा ये पासवर्ड है। क्यों? क्योंकि वो प्लेन टेक्स्ट में नहीं जा रहा होगा, वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जा रहा होगा, आप उसका कोई मीनिंग नहीं डिराइव कर पा रहे होंगे, ठीक है। चलो ये तो बेसिक था आपको थोड़ा सर, सा। एक और क्वेश्चन है सर। पूछो। सर ये ऑडियो को भी हो सकता है क्या स्निफिंग? ये सिर्फ ये टेक्स्टेबल का है। नहीं, ऑडियो का भी हो जाता है भाई। देखो, जैसे जो सर भी वो डेटा है एट द एंड ऑफ द डे, डेटा जो है कैसे फ्लो होता है? पैकेट्स में सर। पैकेट में फ्लो होगा भाई, सिंपल सी बात है। जो भी डेटा हो, कंप्यूटर तो बाइनरी में ही जाता है ना चीजें। नेटवर्क के प्रोटोकॉल्स होते हैं ना आपकी, अलग अलग प्रोटोकॉल, तो प्रोसेस आ जाता है यहाँ पे आपका इनकैप्सुलेशन एंड डीकैप्सुलेशन का प्रोसेस। डीकैप्सुलेशन
कैप्सुलेशन, ये नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट है, तो मैं डेफिनेटली इसको पढ़ाऊंगा तो नहीं, बट मैंने आपको बता दिया, जब डेटा जो है आपका फ्रॉम टॉप लेयर टू बॉटम लेयर मूव करता है, तो इट गेट्स ऑन इनकैप्सुलेटिंग, हर एक अलग अलग लेयर पे, जरा एक बार लेयर्स का कोई मॉडल खोलूँ, OSI लेयर, इसलिए नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी होती है, OSI लेयर, इनकैप्सुलेशन, इंक्रिप्शन, इनकैप्सुलेशन एंड डीकैप्सुलेशन, सो डेटा जो है आप देखोगे जब ऊपर से नीचे मूव कर रहा है तो अलग अलग लेयर पे अपने अलग अलग प्रोटोकॉल का हेडर जुड़ता चला जाता है, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप पैकेट्स को कैप्चर कर ले रहे हो, ठीक है, रॉ पैकेट्स को कैप्चर कर ले रहे हो, तो चाहे वो ऑडियो हो, वीडियो हो, टेक्स्ट हो, मैसेज हो, वेबसाइट हो, इमेज हो, कुछ भी हो, ठीक है, आप इमेज भी कैप्चर कर लोगे भाई इसके अंदर, इट इज़ ऑल अबाउट कि आप उन पैकेट्स को रीअरेंज और रीऑर्डर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि अगर पैकेट्स रीऑर्डर नहीं होंगे तो फिर आप मीनिंग कुछ डिराइव नहीं कर पाओगे, ठीक है ना, तो पैकेट्स का कोई टाइप नहीं होता है, PKTs, इट इज पैकेट्स, इनका कोई टाइप नहीं होता, इंडिपेंडेंट होते हैं ये टाइप से, ठीक है ना, जो भी डेटा है बस उसको छोटे छोटे जब फॉर्म्स में हम तोड़ देते हैं तो उनको हम पैकेट बोल देंगे, ठीक है जी, तो ये जो स्निफिंग है हम कुछ स्पेशलाइज्ड टूल से करते हैं जो हमारे पास रहते हैं, जिसको हम पैकेट कैप्चर टूल भी बोल लेते हैं या फिर स्निफर्स भी बोल लेते हैं, तो हमारे पास टूल होता है वायर शार्क, ओके, नाउ दिस इज नॉट द ओनली टूल स्निफिंग के लिए, टूल्स बहुत सारे होते हैं बट ये रेनाउंड टूल है, ओके, हम इसी को देखने वाले हैं, ये जो टूल है हमारा, ये हमारा GUI बेस्ड टूल है, ओके, ऑन द अदर हैंड काली के अंदर एक टूल होता है जिसको बोलते हैं TCP डंप, ओके, लेट मी इंक्रीज TCP डंप, ये हमारा CLI कमांड लाइन इंटरफेस बेस्ड टूल होता है, ठीक है ना, तो TCP डंप को अभी साइड रख देते हैं, पहले वायरशार्क ही समझ लो, ठीक है, क्योंकि वायरशार्क अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स टूल है आई वुड से, ठीक है ना, तो अभी तक जो बताया है उसमें कोई डाउट, कुछ इशू, कुछ पूछना है, एनीथिंग? नहीं सर, चलें आगे, कैसे खोलेंगे वायरशार्क, सिंपल है, सबसे पहले टर्मिनल खोलेंगे, टर्मिनल में सिंपल टाइप कर देंगे वायरशार्क, ओके, तो वायरशार्क मैंने टाइप कर दिया, थोड़ी देर में वायरशार्क खुल जाएगा, ये वायरशार्क खुल गया, ठीक है जी, तो वायरशार्क जब ओपन होता है तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको प्रोवाइड किया जाता है, अब यहाँ पे स्क्रीन पे देख करके कुछ समझ में आ रहा है, चलो मैं बताता हूँ, स्क्रीन पे अभी वो आपको ऑप्शन दे रहा है कि भाई कौन सा इंटरफेस सेलेक्ट करना है आपको करंटली स्निफिंग करने के लिए, ठीक है, कौन से इंटरफेस पे आपको बेसिकली स्निफिंग करनी है, दैट इज द मेन क्वेश्चन हियर, तो मेरी डिवाइस पर कितने इंटरफेस है, दो ही इंटरफेस है, एक तो ईथरनेट इंटरफेस है ETHO, ETHO, ETH0 है, और एक दूसरा इंटरफेस क्या है, लूपबैक इंटरफेस, LO, यहाँ पे मैं इंटरफेस सेलेक्ट कर लेता हूँ ETH0, सिंपल मैंने इंटरफेस सेलेक्ट किया, अब या तो मैं यहाँ पे ब्लू कलर के शार्क के फिन वाले आइकन पे क्लिक कर सकता हूँ स्निफिंग स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, स्टार्ट कैप्चरिंग पैकेट, तो यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ, या फिर मैं सेम इंटरफेस पे डबल क्लिक कर सकता हूँ, तो दोनों ही केस में जो है ये क्या करेगा, मैं डबल क्लिक कर देता हूँ, डबल क्लिक किया एंड इसने स्निफिंग स्टार्ट कर दी है, अब आप आपके सामने जो है ये ऐसे कुछ डेटा चलने लग जाएगा, ठीक है ना,
रहा है, ये डेटा चल रहा है। अब आपको सामने जो है कलरफुल सा डेटा दिख रहा है, अलग अलग डेटा की लाइनें दिख रही हैं यहाँ पे। ये पता है क्या है? ये पैकेट्स है, ये पैकेट कैप्चरिंग चल रही है जी। गाइस आवाज आ रही है मेरी? सर जो जो बिना कलर वाले हैं, ब्लू वाले, ये नहीं है पैकेट्स? तो ब्लू कोई कलर नहीं होता क्या? ब्लू कलर तो होता है। नहीं, ये सारे पैकेट्स का मतलब आप क्या रहे? सारे पैकेट्स हैं, पैकेट्स के अलग अलग टाइप है, तो इसलिए वो कलर एनकोडिंग फॉलो करता है वायर शार्क ना। तो ठीक है, ब्लू भी कलर है एक, वो भी कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ऐसे मत बोलो कि बिना कलर वाला ब्लू, ब्लू को बुरा लग जाएगा। खैर, तो पैकेट्स आ रहे हैं, ठीक है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमें स्क्रीन के सामने क्या दिख रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको जो डेटा दिख रहा है, पूरी की पूरी स्क्रीन तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट जो आपको ये दिख रहा है, सेकंड पार्ट ये रहा, ठीक है। ये जो मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ, ठीक है, सेकंड हाफ ये हो गया एंड थर्ड हाफ ये हो गया, ठीक है, ओके। उसके बाद जो फर्स्ट स्क्रीन है हमारी, फर्स्ट स्क्रीन के अंदर अलग अलग कॉलम्स हैं, देख सकते हो। टाइम का कॉलम है, सोर्स का कॉलम है, डेस्टिनेशन, प्रोटोकॉल, लेंथ एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। डेटा कुछ इस तरीके से डिवाइडेड है। इसके बाद अगर आप मेरे कर्सर को फॉलो अप करोगे, तो अगर मैं यहाँ पे बॉटम में आ जाता हूँ, तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये कुछ पैकेट्स का काउंट दिखा रहा है। दिख रहे हैं सबको पैकेट काउंट? 700 समथिंग, अब 800 हो गए, 800 समथिंग, जहाँ पे मेरा कर्सर है। यस सर। अब मुझे ये बताओ कि ये जो सबसे नीचे नंबर दिख रहा है आपको, पैकेट का कुछ नंबर है, डिस्प्लेड है, इसको कुछ देख के समझ में आ रहा है आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से? इसको देख के आप क्या मीनिंग डिराइव कर सकते हो? कुछ मीनिंग डिराइव कर पा रहे हो? दो एंड पॉइंट के बीच में सर इतने पैकेट चल रहे हैं, कुछ ऐसा ही। ठीक है, सबसे पहली बात तो यहाँ पे जो है हम दो एंड पॉइंट की बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो कैप्चर हो रहा है वो मेरे इंटरफेस पे कैप्चर हो रहा है, ठीक है। अब वो कहीं से भी डेटा आ रहा हो, जहाँ से भी डेटा आ रहा है, जो भी मेरे डिवाइस पे आ रहा है, मेरे डिवाइस से जिसका भी इंटरेक्शन है डेटा का, वो सारा डेटा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अगर मैं नंबर्स की बात करूँ, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पहली फील्ड दिख रही है पैकेट्स, ठीक है। पैकेट्स के आगे एक नंबर लिखा हुआ है, तो ये नंबर बताता है कि टोटल अभी तक इस मशीन, इस कैप्चर जो आपने स्टार्ट किया, ये कैप्चर, इसमें कितने पैकेट्स कैप्चर हो गए हैं, इसने कितने पैकेट कैप्चर कर लिए हैं। एंड आप देखोगे कि नंबर बढ़ते जा रहा है, क्यों? क्योंकि स्निफिंग चालू है हमारी, पैकेट्स और आए जा रहे हैं, ठीक है, और आते जा रहे हैं पैकेट्स, और आते रहेंगे पैकेट्स, ठीक है ना। इसलिए जितने भी पैकेट्स कैप्चर करे हैं टोटल इसने, उतने नंबर ऑफ पैकेट्स हमें यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है ना। उसके बाद हमें दूसरी फील्ड यहाँ पे दिख रही है, जो कि है डिस्प्लेड, ओके। सो डिस्प्लेड में भी सेम ही नंबर दिख रहा होगा आपको, एंड साथ में दिख रही होगी आपको एक परसेंटेज वैल्यू, तो 100% डिस्प्लेड। तो वो ये बता रहा है हमें कि जितने पैकेट्स इसने कैप्चर करे हैं, उसमें से सारे के सारे पैकेट्स आपको शो कर रहा है इस टाइम पे। ऐसा कोई पैकेट नहीं है जो ये हाइड करके बैठा हो, ठीक है। जो आपको डिस्प्ले पे हो रहा है सामने, वो सारे के सारे पैकेट डिस्प्ले हो रहे हैं। एक मिनट, इसको थोड़ा नीचे कर दें, हाँ। तो जो भी पैकेट्स कैप्चर हुए हैं, सारे के सारे शो हो रहे हैं आपको आपके स्क्रीन पे, ठीक है। अभी नंबर्स के भी ऊपर आएंगे हम वापस से। अभी फिलहाल जितना मैंने तुम्हें बताया, पैकेट्स कैप्चर और पैकेट्स नंबर ऑफ डिस्प्लेड, अभी आपको बस इतना समझता है। अब चलते हैं हमारे फर्स्ट इस पे, फर्स्ट हाफ में, जिसके अंदर अलग अलग कॉलम्स हैं। तो भाई ये अलग अलग कॉलम्स हैं, इनका मतलब समझ में आ रहा होगा आपको देख करके। सोर्स क्या बताता है? सोर्स बताता है आपको कि जो पैकेट आ रहा है, उस पैकेट का सोर्स आईपी एड्रेस क्या है, वो सोर्स कॉलम में आता है। जो भी पैकेट इसने कैप्चर किया है,
उसका डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है, वो डेस्टिनेशन कॉलम में आता है, ठीक है। और जो पैकेट कैप्चर किया है वो किस तरीके का पैकेट है, मतलब कौन सी प्रोटोकॉल का टाइप का पैकेट है, वो आपका कहाँ पे आता है, वो आपका आता है प्रोटोकॉल कॉलम के अंदर, ठीक है। लेंथ है आपका लेंथ ऑफ द पैकेट, इंफॉर्मेशन है आपका कि ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द पैकेट, ओके ठीक है जी। तो अगर ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द पैकेट मेरे को इंफॉर्मेशन में दिख रहा है तो डिटेल्ड पैकेट का व्यू कहाँ मिलेगा, डिटेल्ड पैकेट का व्यू मेरे को मिल रहा है जो मेरा सेकंड पेन है, ये जो है मेरा सेकंड पेन यहाँ पे, ये पूरे का पूरा जो है जो भी एक तरीके से पैकेट का डाइसेक्शन आप समझ लो, जो भी पैकेट आप ऊपर सेलेक्ट करोगे उस स्पेसिफिक पैकेट का जो भी प्रोटोकॉल्स वगैरह हैं, ठीक है, उन सब का डिटेल व्यू आपको यहाँ पे मिलेगा, लेयर बाय लेयर आप यहाँ पे देख सकते हो, फ्रेम, ईथरनेट, आईपी, यूडीपी, मल्टीकास्ट, ओके। यहाँ पे क्या है, अलग अलग आपको यहाँ पे प्रोटोकॉल्स दिख रही हैं, अलग अलग इनके हेडर्स दिख रहे हैं, तो जितना भी हेडर का डेटा है वो पूरा का पूरा हेडर का डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है इसमें, ठीक है जी। तो अब अगर प्रोटोकॉल्स नहीं पता होंगी, प्रोटोकॉल्स के हेडर नहीं पता होंगे, तो आप इस हेडर का मीनिंग नहीं ड्राइव कर सकते, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। ये तब है, ये अब अगेन ये जो भी चीजें हम कर रहे हैं यहाँ पे, इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है जी। खैर एनीवेज, तो ये तो चलो हमने कैजुअली जो है डेटा को कैप्चर कर लिया, ठीक है। अब इतने सारे पैकेट्स यहाँ पे कलेक्ट हो गए हैं, 2000+ 2400 पैकेट्स कैप्चर हो गए हैं, थोड़े से और कैप्चर कर लेते हैं, जरा फायरफॉक्स भी खोल लें, फायरफॉक्स भी खोल लेते हैं, ओके। सो फायरफॉक्स हमारे पास खुल गया है, लेट्स सेलेक्ट स्टार्ट न्यू सेशन, ओके डेमो टू टेस्ट फायर, ठीक है जी। कोई वेबसाइट मैंने ओपन करी है यहाँ पे, यहाँ पे कुछ सर्च भी कर लेता हूँ मैं, लेट्स से हेलो, ओके। सो मैंने यहाँ पे हेलो सर्च किया, लेट्स क्लिक ऑन गो, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं कैप्चर की बात करूँ तो राउंड अबाउट 8000 पैकेट्स कैप्चर हो गए हैं, ठीक है ना, इतनी सी देर में इसने खूब सारे पैकेट कैप्चर कर लिए हैं, मेरे डिवाइस से काफ़ी सारी मूवमेंट हुई होगी, जो भी मूवमेंट हुई है डेटा यहाँ पे कैप्चर हो गया। जस्ट गिव मी अ सेकेंड गाइस, यस सर,
ओके सो यहाँ पे मैं आपको जो है, सबको आवाज आ रही है ना मेरी? बीच में कुछ हुआ कर दिया अगर, मैं लगता हाँ है सर नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, मैं बोलता रह जाऊँ यहाँ पे। यस सर खैर सो ठीक है। अब ये इतने सारे पैकेट मैंने इसलिए कैप्चर कर लिए हैं ताकि मैं आपको जो है इन पैकेट्स को फिल्टर करना थोड़ा बता पाऊँ, ठीक है? तो क्या है कि कभी भी आपको वायरशार्क के अंदर डेटा को इंटरप्रेट करना है तो आप डायरेक्टली ऐसे ही नॉर्मल कैप्चर स्टार्ट करके उसको रीड नहीं कर सकते हो, ठीक है? आपको फिल्टर करना रहेगा। तो फिल्टर करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास डिस्प्ले फिल्टर का यहाँ पे एक बार है, ठीक है? दिख रहा होगा आपको यहाँ पे अप्लाई अ डिस्प्ले फिल्टर। तो यहाँ पे क्या है, मैं आपको अब अलग अलग तरीके के फिल्टर्स बताने जा रहा हूँ जिन फिल्टर्स को हम यूज़ करके अपने डेटा को, अपने आउटपुट पैकेट्स को फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है जी? तो सबसे पहला फिल्टर हमारा बहुत इजी। तो अगर मैं फिल्टर करना चाहता हूँ अपने पैकेट्स को प्रोटोकॉल के बेसिस पे, के केवल और केवल जो है मैं स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटोकॉल के ही पैकेट्स देखूँ, लेट से मैं केवल टीसीपी बेस्ड पैकेट्स देखूँ, या फिर मैं केवल और केवल यूडीपी बेस्ड पैकेट्स देखूँ, या फिर मैं केवल एआरपी पैकेट्स देखूँ, ठीक है? तो अलग अलग प्रोटोकॉल के टाइप पे मैं यहाँ पे फिल्टर कर सकता हूँ। लेट से मेरे को यहाँ पे केवल और केवल, अच्छा सबसे पहले मैं स्टॉप कर देता हूँ कैप्चर को ना, कि कंसिस्टेंटली बढ़ता ना रहे, इस वैल्यू को फिक्स कर देते हैं 9900 समथिंग हो गया है, 18, चलो स्टॉप कर देते हैं। 9994 पैकेट्स कैप्चर्ड है, अब ये स्टेबल रहेंगे। स्टॉप करने का आपने बटन देख लिया, रेड कलर से बटन रहता है यहाँ पे पैकेट कैप्चर्स को स्टॉप करने के लिए, ठीक है जी? अब मैं जो है इस पूरे के पूरे आउटपुट के अंदर केवल और केवल टीसीपी टाइप के पैकेट देखना चाहता हूँ। अभी देख सकते हो कि 100% पैकेट दिखा रहा है। अब फिल्टर लगाता हूँ। फिल्टर कैसे लगेगा? सिंपल प्रोटोकॉल का नाम टीसीपी, एंटर, ठीक है? एंटर किया तो अब आप देखोगे यहाँ पे कि जो आउटपुट मुझे दिखा रहा है यहाँ पे परसेंटेज चेंज हो गई है, नंबर ऑफ पैकेट डिस्प्लेड चेंज हो गया है, एंड 51% मेरे को पैकेट यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है ना? तो ये मेरे को क्या दिखा रहा है? केवल और केवल टीसीपी बेस्ड पैकेट्स दिखा रहा है मुझे, क्लियर है? तो मैं सिमिलरली जो है प्रोटोकॉल के बेसिस पे इसको फिल्टर कर सकता हूँ। लेट से यूडीपी, सिंपल यूडीपी टाइप किया, अब मेरे को केवल केवल यूडीपी बेस्ड पैकेट दिखा रहा है। कितना? 40% पैकेट्स टोटल, मतलब कि 60% पैकेट इसने हाइड कर दिए हैं, केवल 40% पैकेट मेरे को यहाँ पे करंटली शो कर रहा है, ठीक है जी? सिमिलरली मैं और भी प्रोटोकॉल सर्च कर सकता हूँ यहाँ पे, लेट्स से एआरपी, तो यहाँ पे 1.2% एआरपी प्रोटोकॉल के पैकेट्स हैं, ठीक है? तो पहला फिल्टर आपको समझ में आया कि मैं प्रोटोकॉल के बेसिस पे अपने पैकेट कैप्चर को कैसे फिल्टर कर सकता हूँ, ठीक है जी? या सर समझ में। कूल, आगे चलते हैं। अब मान लेते हैं कि मुझे स्पेसिफिक आईपी एड्रेस से रिलेटेड पैकेट्स को फिल्टर करना है, ठीक है? स्पेसिफिक आईपी एड्रेस की जब मैं बात कर रहा हूँ तो किस टाइप के पैकेट्स को फिल्टर करना है? लेट मी क्लिक ऑन न्यू हियर, न्यूज ओके। सो प्रोटोकॉल की मैंने बात करी, फिल्टर में सिंपल आप प्रोटोकॉल का नाम टाइप कर दो, वही फिल्टर बन जाता है अपने आप में। अगर मैं सिंपल आईपी एड्रेस के बेसिस पे फिल्टर करना चाहता हूँ, ठीक है, कि भाई कोई भी पैकेट एक स्पेसिफिक आईपी एड्रेस से या तो जा रहा हो या फिर स्पेसिफिक आईपी एड्रेस के लिए आ रहा हो, मतलब या तो आईपी एड्रेस सोर्स में हो या फिर आईपी एड्रेस डेस्टिनेशन में हो, तो पैकेट जहाँ से ओरिजिनेट होएगा उसको हम बोलेंगे सोर्स आईपी एड्रेस, पैकेट जहाँ पे जा रहा होगा उसको हम बोलेंगे डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। इतना तो क्लियर है, समझाने की जरूरत नहीं इसमें तो, है ना?
तो इस चीज के लिए हमारे पास फिल्टर क्या रहेगा? हमारे पास फिल्टर रहेगा ip.addr फॉलोड बाय आपका आईपी एड्रेस, जो सा भी आपको आईपी एड्रेस चाहिए। यहाँ कर देते हैं, अच्छे फिल्टर हटाता हूँ। ओके, ip.addr is equal to 151.139.128.40। एंटर प्रेस किया एंड अब मेरे को जो है 1.4% ऑफ पैकेट्स टोटल जितने हैं उसमें से 1.4% पैकेट शो कर रहा है, ठीक है। एंड जितने भी पैकेट शो कर रहा है, किस टाइप के पैकेट शो कर रहा है? सारे वो पैकेट शो कर रहा है जिसमें ये आईपी एड्रेस की वैल्यू आ रही है, या तो सोर्स में या फिर डेस्टिनेशन में। चीज़ क्लियर है ये जो मैंने अभी बताई है? चीज़ क्लियर है, ठीक यस है ना। अब आप देख भी सकते हो इनफैक्ट मैन्युअली इसको स्क्रॉल करके कि जो आईपी एड्रेस की मैंने यहाँ पे वैल्यू दी है, ये या तो ये सोर्स कॉलम के अंदर मिल जाएगी आपको या फिर ये डेस्टिनेशन कॉलम में मिल जाएगी। दोनों में से किसी ना किसी एक कॉलम में ये आईपी एड्रेस की वैल्यू डेफिनेटली होएगी ही होएगी, ठीक है ना। चलो जी, तो यहाँ पे फिल्टर अपना मेंशन कर देते हैं हम। अगर ऐसा रहेगा केस तो हमें यहाँ बना देते हैं, इसका फिल्टर है ip.addr is equal to जो भी आपका आईपी एड्रेस है उसकी वैल्यू, ठीक है जी। ये एक फिल्टर हो गया हमारा। ठीक है जी, अब सवाल आ जाता है कि अगर मेरे को इस टाइप के पैकेट्स नहीं देखने, तो अगर मेरे को केवल और केवल वो पैकेट्स देखने हैं जो स्पेसिफिक आईपी एड्रेस से ओरिजिनेट हो रहे हो, ठीक है, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम स्पेसिफिक आईपी डेस्टिन्ड टू स्पेसिफिक आईपी, ओके। तो ये जो मैंने फिल्टर अभी आपको बताया, ये तो दोनों मेरे को पैकेट दिखा रहा है। इफ आई ओनली वांट टू सी स्पेसिफिक पैकेट्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम स्पेसिफिक आईपी एड्रेस, तो फिल्टर क्या रहेगा हमारे पास? तो फिल्टर हमारा चेंज हो जाएगा और फिल्टर हो जाएगा हमारा ip.src। एंटर कर देता हूँ। ip.src is equal to आईपी एड्रेस की जब मैंने वैल्यू दी, तो आप आउटपुट में देख सकते हो कि सोर्स आईपी एड्रेस की वैल्यू कांस्टेंट हो गई है सारे सारे पैकेट्स के अंदर। आप लाइन से देख सकते हो सोर्स कॉलम के अंदर। एंड ये मेरे को जो है 0.7% ऑफ टोटल पैकेट्स करंटली डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है जी, सो अपना फिल्टर लिख लें यहाँ पे हम। इस चीज के लिए फिल्टर क्या रहेगा हमारे पास? ip.src is equal to आईपी एड्रेस जो भी आपकी वैल्यू है आईपी एड्रेस की। फिल्टर्स का मैं कलर चेंज कर देता हूँ, लेट्स मेक इट ब्लू, जो भी हमारे फिल्टर्स हैं। तो अब इस पॉइंट से आप दूसरे इस फिल्टर की वैल्यू गेस कर सकते हो कि अगर मेरे को स्पेसिफिकली वो पैकेट्स व्यू करने हैं, केवल ऐसे पैकेट्स व्यू करने हैं जो एक स्पेसिफिक आईपी एड्रेस के लिए डेस्टिन्ड हो, के लिए जा रहे हैं, ऐसे पैकेट्स व्यू करने के लिए मैं क्या किस तरीके का फिल्टर अप्लाई करूंगा? एनी गेसेस बताओ। आईपी डॉट डेस्टिनेशन डीएस इक्वल्स टू आईपी डॉट
डेस्टिनेशन डी एस इज इक्वल्स टू जिसमें कि डी एस जो है डेस्टिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉलोड बाय आपका डॉलर आईपी एड्रेस जो भी आपकी वैल्यू है। तो अनफॉर्चुनेटली माय फ्रेंड थोड़ा सा आपका गैस गलत हो गया, बट लॉजिक सही था कि भाई डेस्टिनेशन का कोई शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, तो डेस्टिनेशन का शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा DST, दैट्स ऑल। ओके, लॉजिक सही था, बस आपने जो एक्रोनिम बनाया उसका जो भाई कलर नहीं आ रहा है। सो अप्लाई करके देखें जरा, यहाँ पे जा करके IP.DST एंटर, एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो डेस्टिनेशन कॉलम है हमारे पैकेट कैप्चर का, उसके अंदर ही IP की वैल्यू फिक्स हुई है। केवल वही पैकेट्स मेरे को शो कर रहा है यहाँ पे जिसमें ये पैकेट्स एज अ डेस्टिनेशन हो, ठीक है ना। जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, ओके। सो IP.SRC, IP.DST दो फिल्टर्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। तो ये तो था कि भाई मेरे को जो है मैं किस तरीके से जो है फिल्टर सप्लाई कर सकता हूँ आईपी एड्रेस के रिस्पेक्ट में। एंड आपने इस दौरान देखा होगा कि भाई जो मेरा ये बैकग्राउंड कलर है वो ग्रीन और रेड में कन्वर्ट हो जाता है, ये देखो। तो रेड में जब आ जाता है इसका मतलब ये है कि आपने इनवैलिड फिल्टर लगा रखा है, ठीक है, आपका जो फिल्टर है वो वैलिड नहीं है। एंड 192 जब इस फिल्टर को मैं पूरा कर देता हूँ 128 मतलब सिंटैक्स इसका करेक्ट हो जाता है तो ये ग्रीन हो जाता है, ठीक है जी। सो सिमिलरली जो है मैं पोर्ट्स के बेसिस पे भी ये फिल्टर सप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। पोर्ट्स के बेसिस पे कैसे कर सकता हूँ, तो पोर्ट ऐसे होएगा, नहीं जी, SRC.। सर एक मिनट का ब्रेक हो जाएगा सर, वॉशरूम जाना। चलो ब्रेक ले लेते हैं एक मिनट का। हेलो हेलो सर, स्टार्ट कर दो। करें कंटिन्यू सर, एक बात सर, ये हम तो सिर्फ सर निकाल रहे हैं सर, इसको पढ़ेंगे कैसे? पढ़ेंगे कैसे इन पैकेट से?
हाँ इन पैकेट्स को सर। तो जिस भी पॉइंट पे आपको किसी पैकेट को डाइसेक्ट करना रहता है, ठीक है, तो आप किसी भी पैकेट को डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हो और आप उसको रीड कर सकते हो कि इसमें क्या, किस तरीके के हेडर्स है, किस तरीके का डेटा इसके अंदर जा रहा है। अब ये तो आपका एक सिंगल पैकेट है, अब सिंगल पैकेट में आपको कितनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब आपको मान लेते हैं चाहिए आपको कोई इमेज आपने कैप्चर कर ली, इमेज ट्रांसफ़र हो रही थी, ठीक है, एंड आपको पता है कि इमेज जो है वो ट्रांसफ़र हो रही थी FTP प्रोटोकॉल के थ्रू। तो आपने यहाँ पे प्रोटोकॉल में सर्च किया FTP, यहाँ पे तो हमारे पास FTP का कोई डेटा नहीं है, बट मान लेते हैं यहाँ पे कोई डेटा आ जाता है। तो जो भी डेटा यहाँ पे आ जाता है आप क्या करेंगे उसके बाद, एक मिनट, जो भी डेटा यहाँ पे आ जाता है आप सिंपली क्या करेंगे, राइट उस पर राइट क्लिक करेंगे, जो भी पैकेट आपको फुल उसमें व्यू करना है फॉलो पे जाएंगे, एंड अगर वो TCP बेस्ड पैकेट होगा तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा फॉलो TCP स्ट्रीम, अगर ये UDP बेस्ड पैकेट है तो फॉलो UDP स्ट्रीम। अगर मैं फॉलो UDP स्ट्रीम पे क्लिक कर देता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे देखूँ कोई HTTP का मिले मेरे को, चलो कोई नहीं, मैं इस पर करके दिखाता हूँ। राइट क्लिक किया, फॉलो पे क्लिक किया, UDP स्ट्रीम पे क्लिक किया, तो अब जो है मुझे स्पेसिफिक मतलब उस पैकेट की सीक्वेंस में जितने पैकेट भेजे गए हैं उन सबको सीक्वेंस में ऑर्डर में अरेंज करके यहाँ पे मुझे सारा सारा डेटा दिखेगा। ये जो है पूरा का पूरा, अगर कोई इमेज को मैंने सेलेक्ट करके फॉलो, एक सिंगल पैकेट को सेलेक्ट करके फॉलो TCP स्ट्रीम पे क्लिक कर दिया या फॉलो UDP स्ट्रीम पे क्लिक कर दिया, ठीक है, तो इस तरीके से विंडो खुलेगी और यहाँ पे सारा का सारा डेटा आएगा आपका, जो भी रेलेवेंट डेटा है। तो इस केस में तो कोई डेटा का सेंस नहीं निकाला जा रहा है, बट अगर जैसे इमेज वगैरह रहती है तो इमेज का भी पूरा पूरा डेटा यहाँ पे आएगा आपका। हाँ मतलब सर, क्योंकि वो इमेज बनी होगी वो नहीं, इमेज एक बनी नहीं आएगी। हाँ मतलब मैं ये कह रहा हूँ सर, जैसे जो इमेज होगी वो काफी सारे पैकेट से बनी होगी, वो एक पैकेट, वो एक पैकेट हम यहाँ पर वो करेंगे तब वो रीअरेंज करके पूरी एक पिक्चर मतलब सारे। एग्जैक्टली आप एक सिंगल पैकेट को क्लिक करोगे, सिंगल पैकेट पे क्लिक करके फॉलो TCP स्ट्रीम या फॉलो UDP स्ट्रीम, जो भी आपका कॉरस्पॉन्डिंग रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो अपने आप उसके रेलेवेंट जो भी पैकेट्स है उनको ऑर्डर करके जिससे आप मीनिंगफुल डेटा ड्राइव कर सको आपको इस तरीके से दे देगा। ठीक है ना सर, फिर उसमें से मीनिंगफुल डेटा कैसे निकल, यहाँ दिखेगा आपको भाई, अगर आप लेटर ऑन कभी CTF वगैरह करते हो, ठीक है सर, आपकी स्क्रीन चली गई, स्क्रीन चल गई, हाँ ठीक है सर, आ गई स्क्रीन, हाँ सर आ गई सर। ओके सो अभी जैसे अगर आप इसके बाद कोई भी CTF वगैरह में पार्ट लेते हो, ठीक है, तो आप देखोगे कि जब भी आपको डेटा की रिक्वायरमेंट होगी तो आप इसी तरीके से कुछ फिल्टर करके डेटा को एक फाइनली एक पैकेट ढूंढ के जो भी आपको डेटा दिखेगा प्लेन टेक्स्ट में आपको यहाँ दिख जाएगा। ये जो रेड कलर का आपको डेटा दिख रहा है ना, रेड ब्लैक करके जो भी है ये यहाँ पे आपको व्यू होएगा। आप इस स्पेसिफिक स्ट्रीम को लेटर ऑन के लिए सेव भी कर सकते हो, ठीक है। खैर जी, इस फिल्टर को हटा देते हैं। सो आई वॉज टेलिंग यू अबाउट दैट पोर्ट नंबर, क्या आप पोर्ट नंबर के बेसिस पे फिल्टर कैसे करोगे। ओके सो पोर्ट नंबर के बेसिस पे फिल्टर हम करेंगे, फिल्टर होता है हमारा TCP.port=, फॉलोड बाय योर पोर्ट नंबर। तो लेट से मेरे को केवल HTTP का ट्रैफिक देखना है तो मैं क्या पोर्ट टाइप करूंगा यहाँ पे 80, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे को सारा का सारा जो HTTP बेस्ड ट्रैफिक होने वाला है वो सब दिखेगा मेरे को यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कोई वेबसाइट वगैरह खुल रही है, अब जरा इसको मैं राइट क्लिक करके फॉलो TCP स्ट्रीम पे करूँ जरा क्लिक, ये देखो जितने भी रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट मेरे HTTP में गए हैं यहाँ पे
एकदम प्लेन टेक्स्ट में मेरे को यहाँ पे सब दिख रहा है, ये हेडर्स है, HTTP के हेडर्स जा रहे हैं, गेट रिक्वेस्ट गई है, होस्ट क्या डिटेक्ट पोर्टल डॉट फायरफॉक्स डॉट कॉम, ये यूज़र एजेंट था, ठीक है, ये रिस्पॉन्स आया ब्लू कलर से, तो यहाँ पे जितनी भी रिक्वेस्ट होती है रेड कलर से दिखती है, जो रिस्पॉन्स होते हैं ब्लू कलर से दिखते हैं, ठीक है। सर इसमें पासवर्ड आईडी वाईडी सब आ जाएगा? सब आ जाएगा, अगर HTTP के थ्रू किसी ने एंटर कर दिया तो आ जाएगा, ठीक है ना। अभी जैसे मैंने वहाँ पे एक सर्च टर्म टाइप करी थी, मैंने यहाँ पे एक सर्च टर्म टाइप करी थी हेलो, ठीक है, तो मैं स्पेसिफिक सर्च टर्म को भी ढूंढ सकता हूँ अपने कैप्चर में। कैसे ढूंढ सकता हूँ? फिल्टर रहेगा आपका TCP कंटेंट्स, जो भी आपका कीवर्ड आप ढूंढ रहे हो हेलो, ओके, एंड आप यहाँ पे देखोगे कि एक तो इन्फॉर्मेशन में भी मेरे को दिख रहा है, बाकी अगर इस पैकेट को मैं ओपन अप भी कर लेता हूँ तो लेट मी शो यू IP HTTP प्रोटोकॉल के अंदर दिखेगा मुझे, HTTP प्रोटोकॉल के अंदर ये रहा क्वेरी, क्वेरी मेरे को यहाँ पे व्यू हो रही है, क्वेरी इज इक्वल्स टू HELLO, ठीक है ना। तो जो भी आपका अनइनक्रिप्टेड डेटा रहेगा वो मुझे यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में विजिबल हो जाएगा, ठीक है जी। इसको फिलहाल बंद कर देते हैं और हम बता रहे थे आपको TCP port is equal to 80, तो अगर मेरे को पोर्ट्स के बेसिस पे करना है फिल्टर कुछ इस तरीके से फिल्टर कर सकता हूँ, ठीक है जी। सिंपली अगर मेरे को FTP का डेटा चाहिए, SSH का डेटा चाहिए, ठीक है, SMTP का डेटा चाहिए, पोर्ट वाइज जो भी स्टैंडर्ड पोर्ट है उनके हिसाब से कर सकता होगा। चलो अभी तक तो जो हम करते आए यहाँ पे आपने देखा होगा कि हम सिंगल फिल्टर अप्लाई कर रहे थे, अभी तक हम एक सिंगल फिल्टर लेते थे उसको अप्लाई करते थे एंड उसका मीनिंग ड्राइव करते थे, ठीक है जी। अब अगर मेरे को अपने डेटा को और फाइन ट्यून करना हो, ठीक है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? बोले तो मैं एक बारी में एक से ज़्यादा फिल्टर कैसे अप्लाई कर सकता हूँ, दैट इज द क्वेश्चन। सो ऐसे केस में क्या करना रहेगा, लॉजिकल ऑपरेटर सुने थे आपने, एंड और ऑपरेटर पता है, लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड गेट और गेट पढ़े होंगे बीटेक में? हाँ सर। नहीं सर। नो सर। नहीं पढ़े? हाँ सर, मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है वो ओपन से, तो बीटेक का वाला नहीं होगा। अच्छा, तो यहाँ पे चले जाते हैं, थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। सो और गेट क्या कहता है, और क्या कहता है, सिंपल भाई, कि अगर आप उसको दो इनपुट देते हो, ठीक है, ए एंड बी अगर आप इनपुट देते हो और गेट के केस में, तो दोनों में से जो है अगर कोई भी एक इनपुट ट्रू होता है तो वो आपको आउटपुट ट्रू दे देगा, लेकिन आप देख सकते हो ए और बी में से कोई भी अगर आपका वैल्यू 1 है तो आउटपुट आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। तो सेम जो है लॉजिक हम यहाँ पर लगा सकते हैं फिल्टर करने के लिए। चलते हैं वायर शार्क में, लेट्स टेक अ फिल्टर एज IP डॉट ADDR,
इज इक्वल टू और यहाँ पे कोई आईपी एड्रेस दे देते हैं, चलो लेट्स से 192.168.136. मेरी मशीन का आईपी एड्रेस दिख रहा है क्या यहाँ पे? वन फाइव नाइन। मेरे को सारे के सारे वो पैकेट्स देखने हैं जो मेरी मशीन से रेलेवेंट हो, ये आईपी एड्रेस उसके अंदर होना चाहिए चाहे सोर्स में हो या डेस्टिनेशन में हो। और मैंने ऑपरेटर लगाया TCP.port इज इक्वल टू 80। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने दो फिल्टर्स को यूज़ किया है और ऑपरेटर के साथ, ठीक है, कि भाई मेरे को वो आउटपुट दिखाओ जिसमें दोनों में से जो भी दो मैंने फिल्टर दिए हैं दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हो, ठीक है। सिमिलरली और ऑपरेटर को यूज़ करते हुए, और ऑपरेटर को यूज़ करने के लिए पास साइन भी रहता है जो कि होता है हमारा डबल पाइप, तो डबल पाइप लगा करके भी मैं यूज़ कर सकता हूँ और लिख करके भी और यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। नाउ लेट्स से कि मेरे को जो है यहाँ चल, अब आप में से कोई मेरे को फिल्टर बताओ कि मेरे को कन्वर्सेशन देखनी है ए और बी के बीच में, ठीक है, और ए का आईपी एड्रेस है 192.168.136.159 से बी के बीच में, बी का भी आईपी एड्रेस मैं बता देता हूँ आपको स्पेसिफिकली 122.37.122.37.224। ओके, सो ये मेरे को कन्वर्सेशन देखनी है, बोले तो मेरे को ऐसे पैकेट्स शो करने हैं, मेरे को केवल और केवल ऐसे पैकेट्स व्यू करने हैं जिसके अंदर ये आईपी एड्रेस सोर्स में आ रहा हो और ये आईपी एड्रेस डेस्टिनेशन में आ रहा हो। फिर बता सकता है सर, आईपी डॉट सोर्स में हम ए का डाल देंगे और फिर एम्फरसेंट आईपी डॉट डेस्टिनेशन में बी का 1.22, ठीक है ना। तो अगर हमने एम्परसेंट की बात करी है यहाँ पे, तो व्हाट इज एम्परसेंट? दिस इज योर एंड ऑपरेटर, ओके, लॉजिकल एंड। और लॉजिकल एंड की अगर मैं बात करूँ तो लॉजिकल एंड जो है मेरे को तभी आउटपुट वन देता है जब दोनों इनपुट वन होते हैं, ठीक है ना। ये देख सकते हो आप लॉजिकल ऑपरेटर एंड, ठीक है जी, जब दोनों कंडीशन ट्रू होएगी तभी मेरा आउटपुट ट्रू आएगा, ओके। सो अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ वैल्यूज 192.168.136.159 एंड ip.dst also 122.37.234, ओके, तो या तो मैं ऐसे लिख लूँ इस फिल्टर को, या फिर मैं सेम फिल्टर को कैसे लिख सकता हूँ, सेम फिल्टर को मैं लिख सकता हूँ ऐसे। सर साउंड आ रही है मेरी? हाँ साउंड आ रही है मेरे को तुम्हारी, ठीक है। साउंड सो ये दोनों ही सेम ही फिल्टर है, एंड ये फिल्टर करेंगे क्या, ये फिल्टर मेरे को केवल वो कम्युनिकेशन दिखाएंगे जो इन दो डिवाइस के बीच में हो रही है, जो कि यहाँ से पैकेट ओरिजिनेट हो रहे हैं एंड यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। फिल्टर लगा के देखें, करके देखें ip.source
एस आर सी इज इक्वल्स टू एम परसेंट आई पी डॉट डी एस टी इज इक्वल्स टू 122.37 to 34 एंटर कर देते हैं। तो अब आप जो है आउटपुट में देखोगे कि सोर्स और डेस्टिनेशन कॉलम के अंदर वैल्यूज फिक्स हो गई हैं। ठीक है जी, अब आप खुद देख सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे मैं नॉट ऑपरेटर भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, नॉट ऑपरेटर कैसे यूज करूंगा? नॉट ऑपरेटर यूज करने के लिए मुझे लगाना होता है एक एक्सक्लेमेशन का साइन। ओके, सो मैंने इस पूरे के पूरे फिल्टर को कलेक्टिवली पिक करके ब्रेसेस के अंदर कवर करके एक एक्सक्लेमेशन का साइन लगा दिया। ठीक है, सो दैट बिकम्स योर नॉट ऑपरेटर है कि शो मी ऑल दोज पैकेट्स एवरीथिंग एक्सेप्ट दिस कंडीशन। ठीक है ना, तो ये दिखा रहा है। सिमिलरली मैंने आपको यहाँ पे बताया एक नॉट ऑपरेटर। ठीक है, और मैंने आपको बताया यहाँ पे और ऑपरेटर। एंड आप जो ऑपरेटर्स हैं वो किसी भी फिल्टर से यूज कर सकते हो। ठीक है, हमने पोर्ट के फिल्टर देखे, आईपी के फिल्टर देखे, टीसीपी कंटेंट, सो ये तो ये बहुत हाई लेवल ओवरव्यू था। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि केवल इतने फिल्टर होते हैं, बट ऐसा है कि इतने मिनिमम फिल्टर तो आपको ऑल इनकी तो नॉलेज होनी ही होनी चाहिए। ठीक है ना, इससे कम पे काम नहीं चलेगा। सर ये फिल्टर सर गूगल पे भी मिल जाएंगे ना? मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे। और ज़्यादा पढ़ने का अगर हो तो इस पर सर्टिफिकेशन होता है, अपने आप में सर्टिफिकेशन भी कर सकते हो। जनरली जो नेटवर्क्स की डोमेन में काम कर रहे होते हैं, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं या फिर नेटवर्किंग साइड जिनका कॉम्पिटेंस रहता है, तो वो लोगों के लिए सर्टिफिकेशन रहता है। सर्टिफिकेशन का भी नाम बता दूं, कोई अगर इंटरेस्टेड हो तो जानना है किसी को? कुछ WNCA करके होता है ना सर? WCNA। हाँ, कोई बात नहीं, तुम्हारे अल्फाबेट्स आगे पीछे हो ही जाते हैं, है ना? सारी चीजें में आगे पीछे करके बोल देगा, है पता है, थोड़ा धुंधला धुंधला सा पता। वायरशार्क सर्टिफाइड नेटवर्क एनालिस्ट का रहता है सर्टिफिकेशन, और आप समझ सकते हो कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक स्पेसिफिक टूल के ऊपर एक सर्टिफिकेशन की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके अंदर उस स्पेसिफिक टूल को कितनी डेप्थ में कवर किया जा रहा होगा। और उससे हमें ये भी समझ में आ रहा है कि ये टूल जो है इतना डीप जा सकता है। ठीक है, पूरा का पूरा एक कोर्स वायरशार्क के ऊपर, तो इतना कॉम्प्लेक्स टूल है। ठीक है सर, आईटी कंपनीज में सर यही टूल ज्यादा यूज करते होंगे ना? हाँ, यही यूज करते हैं, टूल यही यूज करते हैं। ठीक है, और अगर देखो टूल अगर कोई और भी आप यूज करोगे, तो जो लॉजिक है पैकेट्स को फिल्टर करने का और कॉम्प्रिहेंड करने का, लॉजिक सेम रहेगा। क्या पता सिंटैक्स वेरी हो जाए, जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। ठीक है ना, कि आप एटलीस्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो ढंग से सीखो, क्या पता दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आपको काम करने को पड़ जाए, लेकिन आपको बस सिंटैक्स चेंज करना पड़ेगा, लॉजिक सेम रहेगा आपका, तो वो कोई लिमिटेशन नहीं है बेसिकली। ठीक है ना, सो ये हमारा हाई लेवल ओवरव्यू था गाइस वायरशार्क का। ठीक है, जो कि हमारा स्निफिंग मॉड्यूल के अंदर आता है। I will rest my class at this
मोमेंट नाउ ओके